मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का प्यार भाजपा को लगातार मिलता रहा है। एक बार फिर विकास की रफ्तार को बनाए रखना है। डबल इंजन की सरकार पर मध्य प्रदेश को भरोसा है। प्रदेश का मतदाता जागरूक है और जनता है जानता है कि मध्य प्रदेश को विकास की राह पर कमल का साथ ही ले जा सकता है, तो इस बार की दिवाली कमल वाली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी। कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कमलनाथ ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता पिछले कई वर्षों से जिस तारीख का इंतजार कर रही थी, आज विधिवत उसकी घोषणा हो गई है। 17 नवम्बर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। यह दिन लोकतंत्र का हरण करने वालों को सबक सिखाने और सत्य के शासन की पुनर्स्थापना करने का दिन होगा। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास को और मध्य प्रदेश के भविष्य की निगाह में रखकर चुनाव की तैयारी करें और सही समय पर सही जगह उंगली रखकर नए मध्य प्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में जनता की सरकार की विजय पर मुहर लग जाएगी।